दक्षिण भारत के मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि खुद से जुड़े हुए रहस्यों के लिए भी ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। आज आपको दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक मंदिर में ले चलेंगे। इस मंदिर का नाम है अनंतपुर लेक मंदिर। इसका आश्चर्य जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें, इस मंदिर की रखवाली एक ऐसा मगरमच्छ करता है जो कभी मांस का सेवन नहीं करता। जी हाँ, ये मगरमच्छ पूर्ण रूप से शाकाहारी है। इस मंदिर के अनोखे राज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत मंदिर केरल राज्य के कासरगोड जिले के अनंतपुर गांव में स्थित है। यह मंदिर अनंतपुर झील में स्थित है। झील का नाम इसी गांव के नाम पर पड़ा है और ये मंदिर पूरी तरीके से झील के बीचों बीच में स्थित है। इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये मंदिर पूरी तरीके से झील के बीचों बीच में स्थित है। इस मंदिर को अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली ये झील बहुत ही मनोरम है। इसके आसपास बहुत घना जंगल है। अब आपको बताते हैं इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में। माना जाता है कि इस स्थान पर कभी दिवाकर मुनि विल्वमंगल ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको बालक के रूप में दर्शन दिए। उस बालक को देख कर उस पर मोहित हो गए और उस बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तो बालक ने उत्तर दिया, ना मेरे माता पिता हैं, ना कोई घर बार है। ये सुनकर मुनि ने कहा कि बालक, आज से तुम यहीं रुकोगे मेरे साथ। तो उस बालक ने एक शर्त रखी, ऋषि अगर आप मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो मैं स्थान छोड़कर चला जाऊँगा। और यहाँ पर भगवान विष्णु उन मुनि की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए वो रुक तो गए लेकिन उन्होंने वहाँ पर शरारतें करना आरंभ कर दिया, मुनि को परेशान करना शुरू किया धीरे धीरे। इससे तंग आकर एक बार मुनि ने उन्हें डांट दिया। इस पर प्रभु वो स्थान छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने मुनि को एक स्थान के बारे में बताया जिसे अनंथन कट कहते हैं। कहा कि मैं यहीं पर मिलूँगा। मुनि उन बालक के पीछे पीछे उनको ढूंढते हुए वहीं पहुँचे। वहाँ पर उन्हें साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हुए। इसके बाद मुनि समझ गए कि ये बालक भगवान विष्णु ही थे जो कि उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो अब बात करते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में, जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये दुनिया जानती है कि मगरमच्छ मांसाहारी जीव होता है, वो दूसरे जीवों को खाकर ही जीता है। लेकिन इस मंदिर की झील में एक मगरमच्छ रहता है जिसे नाम दिया गया है बाबिया। बाबिया मगरमच्छ ये शाकाहारी मगरमच्छ है। ये मंदिर की रक्षा करता है और प्रसाद ही ग्रहण करता है। इसे चावल का प्रसाद बहुत पसंद है। ये कभी मांस का भक्षण नहीं करता। आप जब भी जाएंगे तो आप खुद अपने हाथों से इसे खिलाकर देखिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथों से प्रसाद ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। मंदिर में जो भी आते हैं वो इस झील में स्नान करते हैं, उसके बाद में भगवान विष्णु के दर्शन को जाते हैं। तो जो स्नान करते हैं उन्हें भी आज तक इस मगरमच्छ ने कभी हानि नहीं पहुंचाई है। ये इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनंत पद्मनाभ भगवान की जय हो।